हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द नेक्स्ट जेएस कोर्स। तो ये बेसिकली यार हम लोग का एक नेक्स्ट जेएस कोर्स होने वाला है, जहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक नेक्स्ट जेएस को देखेंगे हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली एक प्लेलिस्ट बना दिया है नेक्स्ट जेएस कोर्स का। आप लोग जैसे ही चैनल पर जाओगे, तो जैसे ही यार आप लोग चैनल पर आओगे, आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाओगे, आप लोग को यहाँ पे एक नेक्स्ट जेएस का कोर्स देखने को मिल जाएगा। बेसिकली अभी तो हम लोग का ये फर्स्ट वीडियो है, तो यहाँ पे मुझे शो नहीं कर रहा, बाकी आपको यहाँ पे नेक्स्ट जेएस का जो कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के वीडियो से हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं नेक्स्ट जेएस को स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले है एक आईडी। आईडी क्या होता है? आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहाँ पर हम लोग का कोड बेसिकली राइट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा वीएस कोड का। तो आप लोग सिंपली लिखो वीएस कोड, एंड यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक आपको मिलता है उस पर क्लिक करो। एंड आप जैसे इस पर क्लिक करोगे, आप लोग पहुँच जाओगे वीएस कोड के इंस्टॉलेशन पे। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ वी एस कोड इंस्टॉल, और इंस्टॉल एंड सिंपली वी एस का जो मेरा ये हो, मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। यहाँ से बेसिकली आप लोग इस पर क्लिक करके विंडोज़ के इंस्टॉल कर सकते हो, बाकी मैक के लिए भी है एंड उबंटू वगैरह के लिए भी यहाँ पे बेसिकली डाउनलोड ऑप्शन दिए हुए। तो आप लोग यहाँ से वी एस कोड सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो। अब वी एस कोड इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को बेसिकली नोड आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा नोड जेस, क्योंकि नेक्स्ट जेस जो होता है वो रिएक्ट का फ्रेमवर्क होता है, एंड रिएक्ट को अगर आपको यूज़ करना है भाई, तो आप लोगों को नोड जेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोग नोड जेस का एलटीएस वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। एलटीएस का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, मतलब यह लंबे समय के लिए ये वाला जो वर्जन है नोड जेस का वो सपोर्ट है, तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सिंपली डाउनलोड नोड जेस पे क्लिक करो, यहाँ पे आप लोग को नोड जेस जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। और जो डेटा बेस हम लोग का जो बेसिकली इस प्लेलिस्ट में हम लोग यूज़ करेंगे वो है मोंगो डीबी। आप लोग सिंपली यहाँ पे मोंगो डीबी डाउनलोड ऐसा लिखना, मोंगो डीबी कम्युनिटी वर्ज कम्युनिटी सर्व कम्युनिटी डाउनलोड, आप लोग सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मोंगो डीबी कम्युनिटी सर्वर जो इंस्टॉल करने का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। और उस पर सिंपली जाना है, और यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन सिंपली कर देना है। ये पैकेज वो माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर ही है विंडो x64 के लिए, बाकी वर्जन हम लोग का ये रहेगा जो कि करंट वर्जन है। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करो, करोगे आप लोग का मोंगो डीबी भी डाउनलोड हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यार कि भाई नेक्स्ट जेस होता क्या है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट जेस लिखूंगा, और सिंपली यहाँ पे मैं ओपन करूँगा नेक्स्ट जेस का वेबसाइट। तो ये बेसिकली यार नेक्स्ट जेस का वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है द रिएक्ट फ्रेमवर्क फॉर द वेब वेब, मतलब यार वेबसाइट बनाने के लिए रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है जो कि ऑन टॉप ऑफ द रिएक्ट बहुत सारी फंक्शनैलिटी को आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि हो गया डायनेमिक राउटिंग, रिएक्ट रिएक्ट में नहीं होता, बट यहाँ पे हम लोग आप लोगों को डायनेमिक राउटिंग मिल जाता है। फिर आपको अगर डाउनलोड इसको ऐप वगैरह बनाना है तो यहाँ पे कर सकते हो। बाकी हम लोग फिर यहाँ पे इसका डॉक्स देख सकते हैं, तो ये इसका डॉक्स है यार डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे आप लोग इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये है। बाकी इसमें आप लोग कुछ ब्लॉग्स भी मिलता है, आप लोग यहाँ पे अगर चाहो तो ब्लॉग बॉक्स ब्लॉग भी इसके बारे में पढ़ सकते हो। जैसे कि उसके बारे में देखते हैं, डोंट जेस आर सी वर्जन अभी यार रिलीज कैंडिडेट ही है नोड जेस 15, बाकी 14.2 जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो इसके बारे में पढ़ सकते हो। तो ये बेसिकली यार हम लोग का इंट्रोडक्शन वीडियो है। यहाँ पे हम लोग कुछ उतना देखने नहीं वाले नेक्स्ट जेस के बारे में, इसके अगले वीडियोस हम लोग इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग बेसिकली इसको बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जेस का जो भी वेबसाइट है यार उसको देख सकते हो, शोकेस वगैरह इसका काफ़ी अच्छा वेबसाइट दिया हुआ है, लर्न पेज भी है, देखते हैं लर्न पेज पे क्या है विथ नेक्स्ट जेस। ओके, काफ़ी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे यार नेक्स्ट जेस के बारे में दिया हुआ है। अगर आपको कोई कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का सहारा ले सकते हो, और नेक्स्ट जेस को अगर इन डेप्थ पढ़ना हो एकदम कहते हैं ना, तो यहाँ पे आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है भाई आज के वीडियो में इतना ही। बाकी जो हम लोग यहाँ पे जो प्लेलिस्ट बना रहे हैं इसको आप लोग फॉलो कर लेना, स्टार्टिंग से देखना, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।